पर रिलेशनशिप एक दूजे को झूठ बोलते हैं या चीटिंग करते हैं, सानू लग रहा होंगे हाँ ठीक है कोई कूल की जो ही है जिदा रिलेशन हैगा, बट कोई दूजा भी पसंद आ गया तुम कहते यार कोई नहीं ए कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तुम अपने आप को कॉन्शियस समझा लेंगे। पहली बार उन्होंने प्यार होया पर इस तो पहला उन्हें कहा जे मैं कुड़ी ने दिल तोड़े ने तो हूँ मैं ये प्यार होया हूँ यह कित होर मन ला लग रहा था तो हूँ लगता मेरी वारी है हम होएगा हम लिए काम करना सी तो फिर तेरा मेरा खत्म हो गया तू कि ट्यून बनाई मैं कि बनाई सू पता नहीं वो जी बन के गई वो चली कि नहीं चली दोनों का या तो फायदा हो नुकसान एक कोई जी गल तेरे मन च आए वो तू मैं जरूर दस तू ऐ ना सोच नहीं यार कि उन्होंने लगेगा मैं छोटी गल कर रही क्योंकि जी गल तेन परेशान कर रही है वो तेरे लिए छोटी नहीं प्रश्न इसलिए ताई तुम लस्सी मांग रहे पंजाब आयो तो लस्सी तुम मिस की। हैलो एवरीवन सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का मैं जसवीर कौर स्वागत करती हूँ। सो आज ना बॉलीवुड का एक बहुत वड्डा नाम मेरे नाल है, आई एम श्योर तुसी ना अलग अलग गैसेस जरूर लगा रहे होंगे, बट यार मैं इन्नी मेहनत नहीं करवानी तो मैं ऑलरेडी दस दिनी हाँ मनमीत सिंह इज़ विद मी, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम चंडीगढ़ आए हो, किदा फील कर? बहुत अच्छा लग रहा है अज एक्चुअली आना था मीत ब्रदर्स ने दोनों नहीं सीगा पर हरमीत आ नहीं सकिया अज बट आई हैड टू कम इट्स माई फेवरेट सिटी एंड साडा नवा गाना आया कन्फेशन तो वे करके आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल आई वॉन्टिड जिहड़े भी अपने पंजाबी भरा ने ना एक गाना लैके आया जिहदे च एंटरटेनमेंट भी हैगा तो एक बहुत वधिया मैसेज भी हैगा इस करके असी पर्सनली आके सारे नाल गल करना चाहते सी। सो मैं गाने की गल करा तो कन्फेशंस एंड एक नीचे लाइन है दैट इज़ मेरी वारी है, सो वट इज़ ऑल दिस मतलब ये टाइट एक टैग लाइन क्यों रखी गई है तो की कंसैप्ट सोच के रखी गई है? एक्चुअली गल जरा गाना है ना कर्मा के उत्ते बेस्ड है कि जड़िया आप चीज़ा करते हैं लाइफ सू लगता है कि मैनू कुछ नहीं होएगा जिदा जेडे एक प्लेन भी 250 बंदा जो प्लेन क्रैश हों तो उन्होंने उस वेले नहीं लग रहा होंगे कि साढ़े नाल होने लगे जिदा आप प्लेन जाने सूँ लगता सूँ कुछ नहीं होएगा सिमिलरली जो आप रिलेशनशिप एक दूजे को झूठ बोलते हैं या चीटिंग करते हैं सूँ लग रहा होंगे हाँ ठीक है कोई कूल की जो ही थोड़े नाल जिदा रिलेशन हैगा बट कोई दूजा भी पसंद आ गया तो कहते यार कोई नहीं ए कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी अपने आप को कॉन्शियस समझा लेंगे हो बट वो कितना कित कल मुड़ के चीज़ थोड़े नाल होनी होनी है तो यह गाना जिहड़ा हैगा ए जिहड़े बोल ने वो मुंडा कह रहा है कि वह झूठे वादे कर रही है झूठिया कस्मा खा रही है मैं कई दिल तोड़े ने हूँ लगता मेरी वारी है तो कन्फेशन हैगा कि उन्होंने हूँ लग रहा है कि पहली बार उन्होंने प्यार होया पर इस तो पहला उन्हें कहा जे मैं कुड़ी ने दिल तोड़े ने तो हूँ मैनू ये प्यार होया हूँ यह कित होर मन ला लग रहा था तो हूँ लगता मेरी वारी है तो यह बड़ा एक इदा की गल कदे किसी ने गाने की नहीं एंड वी डू नॉट वॉन्ट कि उन्होंने बहुत प्रीची करिए या हूँ बहुत ज़्यादा सिखाइए ज्ञान सानू देना अच्छा नहीं लगता बट साडा कम हैगा एंटरटेनमेंट का तो साढ़े असी एक जरिया है जिदे थ्रू म्यूजिक भावे बेबी डॉल गाना हो चिट्टिया कलावा कोई भी गाने जोड़े अतने 40-50 साढ़े बॉलीवुड के हिट गाने ने वो घट्टो घट मतलब मैं लगता कि 2-4 बिलियन लोगों ने तो सुने उन्हें एक ही गाना 10-10 वारी तो जो कोई चीज़ जो इन्नी पावर हैगी है कि असी लोगों के फोन तक पहुँच रहे हैं उन्होंने दिल मतलब साढ़े गाने उन्होंने दिल च घर कर देंगे तो फिर साड़ी एक रिस्पोंसिबिलिटी भी हैगी है कि असी कुछ कुछ इदा दी गल्लां भी करिए कि जेडे अज इन्ना सारा कुछ फास्ट हो गया दो दो मिनट ही सब कुछ चाहिए भावे वो खाना हो सू बर्गर चाहिए है जॉब तुम्हें अच्छ कोई 10,000 ज़्यादा तुम्हें ऑफर करे तुम इतने बहाना मार के भज जाते हो रिलेशनशिप भी इदा ही हो रहे हैं हूँ कि तुम रोज़ कुछ नवी चीज़ चाहिए हैगी है सो विच इज़ ओके मतलब दिस इज़ द वे लाइफ इज़ बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर गलते जिमें मतलब झूठ बोल के असी वो गल कह रहे हैं जिन्होंने सानू पता कि पूरी होनी नहीं पर असी कई जा रहे हैं सारे लग रहा चलता हूँ इदा ही चल रही दुनिया कोई गल नहीं बट दैट्स नॉट द वे कर्मा कम्स अराउंड तो इस करके रजनीश दुग्गल तुम देखिए होना एक सीन कि वो तीर मारता है कुड़ी दा के उन्होंने लगता है वही असी दिखा जो डायरेक्टर है गौरव मेहरा वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मीत ब्रदर्स की जोड़ी दोवों की जोड़ी एंड अज एक ब्रदर तो मेरे नाल है दूजे आई एम श्योर सारे मिस कर रहे होंगे सो अगर मैं थोड़े ब्रदर्स की गल करा आप ना एक बड़ा प्योर बॉर्ड होंगे ब्रदर सिस्टर का या ब्रदर्स ब्रदर्स का बट कितने ना बचपन च लै लो वो थोड़ा जहाँ ना वितकरा रहा है कि मम्मा इनू ज़्यादा प्यार करते हैं कुछ तो थोड़े नाल कदे एक एक्सपीरियंस होया या थोड़े दोवों के कुछ इदा की की चीज़ है जो तुम साढ़े नाल सांझी करना चाहोगे? ओ शुरू तो ही मैं लगता है पापा का मैं फेवरेट सीगा ते हरमीत मम्मी का फेवरेट सीगा वो शुरू तो ही इदा का सीगा एंड असी शुरू तो एक फैमिली बॉन्डिंग नू शुरू तो बहुत ज़्यादा असी मतलब वो ध्यान दिता है असी वो काम किया जो दो भरा कट्ठे
वो कि जो काम करते हैं इट्स नॉट ईजी बट इट्स वेरी ईजी ऑलसो बिकॉज इट्स नॉट ईजी टिल जदों तक तुसी अपोजिट सारिया गल्लां खुल के नहीं करते कुछ रूल्स नहीं बनाते अपने लिए की होंगे मोस्टली फैमिली की होंगे कि तुसी ग्रांटिड ला लेंगे तुम्हें पता कि मैं तो मेरी भैन है कितने नहीं जाना इन्हें मेरा भरा है तो कितने फिर तुसी सोचते भी नहीं कि उसका की रिजल्ट होएगा क्योंकि तुम्हें पता रिजल्ट कोई इन्ना माड़ा नहीं हो सकता इस करके जो कम आता जिते पैसा इनवॉल्व होता उत्थे कम माड़ा हो जाता इस करके किन्नी बार असं देखे कि ब्रदर सिस्टर इकट्ठे काम नहीं करते बट वो प्रॉब्लम हैगी कि यू डोंट सिट तुसी बह के सारिया गल्लां पेपर से लिख के नहीं किया जिदा तुसी किसी दूजे नाल पार्टनरशिप डीट बनाते हो तो हरमीत तो मैं शुरू तो सारी गल्लां असीं लिखी कि भाई दोनों पहली गल मैं ते तू नहीं चलेगी हम होएगा हम लिए काम करना सी ते फिर तेरा मेरा खत्म हो गया तू कि ट्यून बनाई मैं कि बनाई सूँ वो पता नहीं वो जी बन के गई वो चली कि नहीं चली दोनों का या तो फायदा हो या नुकसान वो इंपॉर्टेंट सीगा दूजा कि कोई जी गल तेरे मन च आए वो तू मैनू जरूर दस तू ए ना सोच नहीं यार कि उन्होंने लगेगा मैं छोटी गल कर रहा क्योंकि जी गल तेन परेशान कर रही है वो तेरे लिए छोटी नहीं तो मैं मोस्टली हम होंगे ना अभी रिलेशनशिप में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कह दिता या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को यार छोटी बात पे यार तू ऐसी कर रही है वो बहुत गलत गल है क्योंकि जड़ा जिड़ी चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है वो थोड़े लिए छोटी तो नहीं हो सकती तो मैं कौन हों कि मैं डिसाइड करा थोड़े लिए गल छोटी कि सो वो चीज़ हर रिलेशनशिप होनी चाहिए तो वो ब्रदरस साढ़े हैगी है कि भावें कोई भी गल हो जो तेन फील हो तू मैं दस एंड धीरे एंड हौली हौली जो जो रिलेशन अगे वादा ना फिर तुम उन्होंने होर प्रैक्टिकल करते जाओ हर चीज़ हिसाब भी होवे भावे उदा भावे मैं तेरे ते लख वार दा लेकिन जो असी काम किया पाई पाई का हिसाब तो तेन मैं देना पेगा यह चीज़ा तो पार्टनरशिप फॉर्म होंगी है सो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की गल करा तो बहुत वड्डा नाम है इदा का मैं कहनी हूँ कोई ही गाना होगा जो तुम्हें किया होंड हिट ना हो इट इज़ वेरी कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट सो म्यूजिक इंडस्ट्री की जो गल आती है तो नाउ डेज़ म्यूजिक लिरिक्स लिरिक्स इदा द हो गई विच इज़ रिलेटिड टू जो अपनी निजी जिंदगी दे विच हुंदा जांदा है एंड पहला इदा हुंदा सी कि म्यूजिक के मायने बड़े अलग होंगे सी एक कंसैप्ट हुंदा सी एक स्टोरी लाइन हुंदी सी बट हुण वह चीज़ा ते लिरिक्स बन रहे हैं जो निजी जिंदगी दे विच मतलब कि जिदा कोई सोना मोना इदा इदा कोई गाने बनते हैं तो तुहानू किस तरह की लिरिक्स ज़्यादा पसंद है जिन्हां दे कोई जो निजी जिंदगी दे विच होवे या एक स्टोरी लाइन होवे जो पहला जिदा पहला एक मायने होंदे सी म्यूजिक दे जिहड़ियां गल्लां आम होंदियां जिहड़ी अपनी जिंदगी तो आंदी है ना जिहड़ी वो तुहानू ज़्यादा रिलेट होएगी जिदा हुण असीं कन्फेशन विच साडी लाइन है वो झूठे वादे कर दी है झूठियां कसमां खा रही है मैं कईयां दे दिल तोड़े ने हुण लगदा मेरी वारी है जिहड़ी हर गल मेरी सुणदी सी अजो मैनू समझा रही है जिहड़ी करदी सी कदे वेट मेरा उहदी कॉल ऑन वेटिंग आ रही है हुण इह तुहाडे नाल जरूर होया होणा कदे ना कदे सारिआं नाल हुंदा तो इस करके वो ज़्यादा रिलेटेबल हो जांदा गाणा पहलां वी इदां ही हुंदा सी गाने जड़े बनते कि अभी ना जाओ छोड़ के हूँ कोई अभी ना जाओ छोड़ के यार दिल भरा नहीं है वही चीज़ तुसी गाने च कहती जाने कहाँ गए वो दिन उदा दे लिरिक्स होंगे सिंपल फिर विचकार एक टाइम आया जो तुसी बहुत ज़्यादा उन्होंने हुक बनाने लग मतलब जिदा हूँ हुक बनते हैं कि बंदा कोई नवी गल लैके आ रहा है बट आई थिंक जी गल आम होंगी है ना वो तुहानू कितना ना कि ज़्यादा रिलेटेबल होंगी तो तुहानू लगता यार हाँ यार तुसी अपने आप नू गाने देखते हो कि So I have some three questions for you, quick answers I want. First, any celebrity crush? Currently, Janvi Kapoor. And कोई तो अड़ा अपना इदां दा गाना जिन्हों तो अनु इन्ना लगता है कि तो अनु आपनों पसंद नहीं है? इदां दे काफी गाने होंदे ने जब तो अनु सुन बाज लगता है कि यार मैंना एक गाना हाँ एक किता सीगा सनी लियोन दी फिल्म सीगी कि मुंडे कहंदे होर होर नचनी ओ नहीं ओ गाना मैनू नहीं अच्छा लगता कोई ऐदां दा म्यूजिक डायरेक्टर या फिर कोई भी सिंगर जिन्नू होर फेम मिलना चाहिदा सी हाँ देव नेगी हैगा बॉलीवुड सिंगर जिन्हें बदरी दी दुल्हनिया वगैरह बड़े स्वीटी तेरा ड्रामा होर भी बड़े हिट गाने गाए ने बट इन्ना जिन्ना उन्हूं फेम मिलना चाहिए सी उन्ना लोग उन्हूं जानते नहीं हले आई थिंक ही शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर इन द कंट्री ओके लास्ट कोई ऐदां दा कन्फेशन जो तुसी हरमीत नूं करना चाहोगे हरमीत नूं आई कन्फेशन करना चाहना कि मैं अजकल म्यूजिक बनाना उहदे नाल नाल क्रिकेट काफ़ी खेडदा तो मैनूं गिल्टी लगता कि जिहड़ा थोड़ा जिहा काम कदे कदे जिहड़ा टाइम काम नूं भी देना चाहिए उहदे करके मैं क्रिकेट खेल रहा तो उहनूं भी लगता होना है तो आई फील सॉरी
बट आई फील दैट इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेना हर इंसान लिए, क्योंकि नहीं तो फिर ना मोनोटोनस हो जाता, तुम उदा दम कर रहे हो फिर वो फ्रैशनैस नहीं आती। फ्रैशनैस लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स दैट यू लव। फ्रैशनैस लिए ताई तो लस्सी मांग रहे थी पंजाब आए हो तो लस्सी तो मिस की। चंडीगढ़ आना मैं आई लव द फूड, आई लव द पीपल, आई लव द सिटी, इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिटीज। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेस फॉर योर सॉन्ग, आई विश कि इदा ही हिट हो पे। भी सारे जने देख रहे हैं तारा राम म्यूजिक ते जाके कन्फेशन चेक करो तो उन्होंने बहुत अच्छा लगेगा जो मैसेज है उदे दे भी ध्यान दियो थोड़ा जा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये मेरा मनमीत सिंह, मीत ब्रोज का नाम सारे ने सुनया, तो मनमीत सिंह ने बहुत चंगी गल्लां कीतियां। इंटरव्यू नूं वध तों वध शेयर करो। वीडियो जर्नलिस्ट दलेर दे नाल मैं जसवीर कौर, डेली पोस्ट पंजाबी।